गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आशीष कुमार वाजपेयी मैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ मैथ का एज का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज ये आपका मैथ का भी चैप्टर है और रीजनिंग का भी चैप्टर है ये आपका हर एक एग्जाम में आपका चाहे एसएससी का एग्जाम दिया या रेलवे का बैंकिंग में हर एक केस में क्वेश्चन रहना ही रहना कंपलसरी है मतलब एक माइंडेमिक कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है उसको हम लोग शॉर्ट में एक वन लाइन में बना सकते हैं दस सेकेंड पाँच सेकेंड एक सेकेंड काफ़ी बनाने के लिए चलिए उसको बनाने के लिए सीखेंगे उससे पहले कुछ इसका बेसिक रूल है उसको समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन किस आधार पर आता है क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और कैसे कैसे क्या सॉल्व करना है देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जब एज का है इसमें ज़्यादा ज़्यादा आपका कभी दो तीन चार आदमी का एज का सम दे देगा दे या डिफरेंस दे देगा दे यानी कह सकते हैं ज़्यादातर केस आपके सम का और डिफरेंस का आता है सम यानी कि हो सकता है दो व्यक्तियों के बीच का उम्र का योग दे दे कुछ भी एज का सम यानी हो गया योग योग बहुत तरह के कर सकते हैं टोटल भी दिया उसको भी हम लोग योग करते हैं कुल दिया उसका मतलब भी योग ही होता है तो एक समझ लीजिए सम दिया हुआ रहेगा तो उसमें क्या करना है उस केस में हम लोग रेशियो को जोड़कर ये पॉइंट को याद रखना है अगर सम दिया रहे तो रेशियो को जोड़कर दूसरा कैसा आता है डिफरेंस वाला डिफरेंस यानी अंतर हो गया अंतर भी बहुत तरह का दिया हुआ रहता है जैसे कि कह सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच का उम्र का अंतर दे देगा दे या फिर बोल देगा एक व्यक्ति दूसरे से इतना साल बड़ा है या फिर दूसरा व्यक्ति इससे इतना साल छोटा है या पहले व्यक्ति का जन्म इसके जन्म के इतने साल पहले हुआ था है। कुछ भी इस टाइप का केस दिया रहे मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंस अंतर पहले बाद ये सब बड़ा छोटा ये सारा सिर्फ डिफरेंस में ही आता है तो डिफरेंस का कंडीशन जब मिले उसमें एक पॉइंट याद रखिएगा रेशियो को घटाकर दो पॉइंट याद रखना है एक सम वाला केस में रेशियो को जोड़कर और डिफरेंस वाला केस में रेशियो को घटाकर इसी के आधार पे पूरा क्वेश्चन बनेगा जब एक दो एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा कैसे इसपो बनाएंगे सो चलिए एक पहला क्वेश्चन देखते हम लोग का जैसे कि पहला क्वेश्चन है अजय और विजय की उम्र का अनुपात थ्री टू एट है तथा तो दोनों का वर्तमान उम्र का योग 88 वर्ष है तो अजय का वर्तमान उम्र बताएं दो आदमी है एक अजय है एक विजय है दोनों का प्रजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है आपका थ्री टू एट है और दोनों का वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है यानी सम दिया हुआ है एट्टी एट ईयर एट 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 है इस पर पूछा आपसे अजय की वर्तमान उम्र क्या है हम अभी बताए थे कुछ देर पहले इसका रूल अगर जब सम दिया रहे इसमें हमको याद रखना है रेशियो को जोड़कर तो इसमें सम दिया हुआ क्या करेंगे रेशियो को हम जोड़ देंगे नहीं प्लस कर देंगे थ्री और एट कितना होता है इलेवन एलेवन से इसको डिवाइड दीजिए एट बाद में कट गया अगर अजय का उम्र पूछा है इससे एट से गुना कर देंगे ट्वेंटी फोर ईयर अगर आपसे विजय का उम्र पूछेगा इसको भी एट से गुना कर देंगे सिक्सटी फोर ईयर आपसे अजय का उम्र पूछा तो इसका आंसर हो गया ट्वेंटी फोर ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिखा हुआ राम श्याम के राम श्याम से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है यदि वर्तमान में उन दोनों का उम्र का अनुपात से तो राम की वर्तमान उम्र क्या है राम और श्याम दोनों का डिफरेंस दिया हुआ इसका मतलब बोलता क्वेश्चन बोला गया है कि राम श्याम से वर्तमान में अट्ठाइस वर्ष बड़ा है कुछ देर पहले नोट से बताया था बड़ा छोटा इसका डिफरेंस का कैसे बड़ा है यानी कि दोनों के बीच में एज का डिफरेंस बता रहा है कि दोनों के बीच में अट्ठाईस वर्ष का डिफरेंस है और उन दोनों का वर्तमान उम्र का अनुपात भी दे दिया है रेशियो भी दिया हुआ है आपका सेवन इंसू थ्री है तो पूछा आपसे ये राम की वर्तमान उम्र क्या है आप बता रहे सम वाला केस में रेशियो को जोड़ देना है डिफरेंस वाला केस में रेशियो को घटा देना है ये आपका डिफरेंस वाला केस है तो देखना है सेवन और थ्री में कितना का डिफरेंट है फोर का डिफरेंट है फोर से डिवाइड करेंगे घटेगा पूछेगा राम का कितना एज हो रहा कहेंगे 49 है कहेंगे फोर्टी नाइन ईयर अगर श्याम का पूछेगा कितना एज हो रहा है ट्वेंटी वन ईयर अब देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें किसका एज पूछा है तो राम की वर्तमान उम्र बताएं तो फोर्टी नाइन ईयर एग्जाम में जिसका इंडिविजुअल जिसका एज कहेगा उसी का निकालेंगे हम आप लोग को समझाने के लिए हम दोनों का एज निकाल रहे हैं लेकिन एग्जाम में किसी एक का ही पूछता है तीसरा क्वेश्चन है ए बी सी की वर्तमान उम्र का अनुपात सिक्स इज टू टू इज टू फाइव है यानी तीनों का वर्तमान उम्र का योग एक सौ चार वर्ष हो तो चार वर्ष बाद ए बी सी का उम्र का अनुपात क्या होगा इसमें तीन आदमी दिया हुआ है सी तीनों का एज का सम दे दिया है 104 आप उम्र का भी दिया हुआ है. आपका सिक्स एज टू टू एज टू, टू फाइव है तो पूछा है चार साल बाद सी का उम्र का अनुपात क्या हो चार साल बाद का रिश्वत निकालना है उससे पहले हम लोग प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं लोग का जब सम दिया आ रहे है तो देश क्या करते हैं जोड़ के डिवाइड करते हैं चलिए सबको जोड़ देते हैं छः दो आठ और पाँच तेरह तेरह से काट देंगे इसको आठ बार में कट जाएगा सबसे पहले सबका एज निकाल लेंगे इसका फोर्टी एट ईयर हो जाएगा इसका सिक्सटीन ईयर इसका हो जाएगा फोर्टीन ईयर फोर्टी ईयर अब क्वेश्चन में देखना है कि दोनों का एज किसी का एज पूछा है या फिर रेशियो इसमें लिखा हुआ कि चार वर्ष बाद एबीसी का उम्र का अनुपात है रेसिओ तो पूछा है चार साल बाद का पूछा है बाद यानी आगे का बात कर रहा है अगर पहले लिखा हुआ तो नहीं पीछे का बात कर रहा है आगे का बात कर रहा है इसका मतलब कि प्लस करना है चार साल बाद बोला तो सब में हम चार प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी टू ये हो जाएगा ट्वेंटी ये हो जाएगा फोर्टी फोर सबका रेशियो निकालना मतलब वो तो काट देना है चार से देखिए सारा नंबर कट रहा है ये आपका थर्टीन बार में ये आपका फाइव बार में या आपका इलेवन बार में अगर यही पहले का पूछता तो माइनस करके रेशियो निकालते बाद का पूछा इसलिए प्लस करके रेशियो निकाले नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा की शादी सोलह वर्ष पहले हुई है उसकी वर्तमान उम्र और शादी के समय का उम्र का इलेवन बाई सेवन गुना है तथा उसके पुत्र की उम्र उसके वर्तमान उम्र का वन बाय ट्वेंटी टू भाग है तो पुत्र का वर्तमान उम्र बताए देखिए अगर पहले बाद या फिर बड़ा छोटा ये सारा अंतर का ही केस आता है अगर 16 साल बाद बोला है तो समझे कि ये अंतर ही दिया हुआ है डिफरेंस दे दिया है सिक्सटीन का उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके वर्तमान उम्र और शादी का समय का उम्र का यानी वर्तमान उम्र यानी प्रजेंट का बात कर रहा है शादी का समय यानी पास्ट बोलता है उसका वर्तमान उम्र शादी का समय का उम्र का इलेवन बाई सेवन है जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन आता है जो पहले लिखा हुआ रहेगा इसका रेशियो हो गया जो बाद में लिखा हुआ रहेगा नीचे इसका रेशियो हो गया अब इसमें डिफरेंस दे दिया हमको रेशियो पता चल गया है तो हमको क्या करना है रेशियो को घटा देना है ग्यारह और सात में कितना का अंतर है चार का चार से डिवाइड कीजिए तो चार बार में कट गया यानी कह सकते हैं इसका वर्तमान एज फोर्टी फोर ईयर है शादी के समय इसका एज ट्वेंटी एट था पर क्वेश्चन में इसका एज पूछा नहीं है इसके बेटे का उम्र पूछा है बोलता है इसके बेटे का जो एज है इसका वर्तमान एज का वन बाई ट्वेंटी टू है तो वर्तमान एज इसमें कौन सा हो गया फोर्टी फोर 44 का हम लोग निकाल लेंगे 1/22 यानी बेटा उसका कितना साल का हो जाएगा दो साल का है इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का अनुपात 8:3 है तथा दोनों का उम्र का गुणनफल 600 वर्ष है तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया है 8:11 है फादर है सन है दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया है एट इज है अब दोनों का उम्र का गुणनफल दिया गुणनफल दिया यानी मल्टीपल दिया हुआ कर सकते हैं आपका 600 वर्ष तो पूछा इसमें पिता की वर्तमान उम्र क्या है जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सोचेंगे इससे पहले मुझे क्वेश्चन बताएं उसमें आपका सम दिया हुआ था और डिफरेंस सम वाला केस में आप लोग रेशियो को जोड़ते थे डिफरेंस वाला केस में रेशियो को माइनस करते थे उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सोचना है यहाँ पर ना सम है ना डिफरेंस यहाँ पे मल्टीपल है तो मल्टीपल में क्या करना है सिंपल सा लॉजिक है अगर सम वाला में रेशियो को प्लस किए डिफरेंस वाला में रेशियो को माइनस किए तो यहाँ भी क्या करना है मल्टीपल के इसमें रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है यानी आठ को तीन से गुना कर देंगे ट्वेंटी हो जाएगा ट्वेंटी से डिवाइड कीजिए ये आपका बारह से कट जाएगा आपका फिफ्टी बार में बारह से कट के दो बार में यानी कि ट्वेंटी बार में कट जाएगा और मल्टीपल वाला केस में थोड़ा सा ध्यान देना है थोड़ा सा क्या ध्यान देना है अगर दो व्यक्ति का अगर मल्टीपल दिया हुआ है तो जो भी यहाँ पे डिजिट आपका काटने से आएगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे अगर तीन व्यक्ति दिया हुआ रहेगा तो क्यूब रूट निकाल देंगे अब ये पाँच से इसको गुना कर दीजिए कहेगा पिता का एज कितना है तो फोर्टी ईयर हो जाएगा पुत्र का पूछेगा तो फिफ्टीन ईयर हो जाएगा इसे पिता का पूछा ये का आंसर हो गया फोर्टी ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी के वर्तमान उम्र का अनुपात थ्री इज टू वन इंटू टू है यदि तीनों के वर्तमान उम्र का गुणनफल वन सिक्सटी टू ईयर वर्ष हो तो, तो चार वर्ष बाद सी की उम्र क्या होगी इसमें तीन आदमी हैं एबीसी तीनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया है आपका थ्री इज टू वन इज टू है और तीनों का एज का मल्टीपल दिया हुआ है आपका वन सिक्सटी टू ईयर है तो इसमें पूछा है सी का चार वर्ष बाद का उम्र क्या वहाँ सी का परसेंटेज निकाल लेते हैं मल्टीपल वाला केस में इन टू का देना रेशियो को तीन को एक से गुना करेंगे फिर दो से गुना कर देंगे नहीं छः हो जाएगा इसी छः से डिवाइड करेंगे छः से कट गया दो बारवे नहीं सेवन में सत्ताईस बार में कटा अब तीन आदमी है पहले भी बताया थे दो आदमी रहेगा तो स्क्वायर रूट निकालना है तीन आदमी में क्यूब रूट निकालना है तो ट्वेंटी सेवन किसी ना किसी का क्यूब है किसका क्यूब है तो थ्री का क्यूब है जिसका एज पूछा है इंट्रो कर दीजिए इसमें एग्जाम में जिस व्यक्ति का एज पूछेगा उसी का निकाल लेंगे बस समझाने के लिए तीनों का निकाल रहे हैं इसमें सी का एज पूछा है कि चार साल बाद सी कितना साल का हो जाएगा परजेंट में सी आपका छः साल का है तो चार साल बाद यह दस साल का हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा <laughs> इस चैप्टर में और भी बहुत सारा टाइप है जिसको नेक्स्ट क्लास हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका मैथ में भी आता है रीजनिंग में भी आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिलहाल इसको आप लोग लाइक कीजिए व्यू कीजिए कि मैं बहुत जल्द आपके सामने इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें डबल डबल रेशियो का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे एक लाइन में कैसे बनाया जाता है और आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए